हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं इंडियन एम्पायर्स पॉपुलेशन, हाउ इंडियाज पॉपुलेशन ट्रांसफॉर्म्ड 15,000 से लेके 2024 तक। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 15 or 4 क्या दिखा रहे हैं इससे? क्या पॉपुलेशन दिखा रहे हैं कि क्या मतलब? दिल्ली सल्तनत ने जो एरियाज कब्जा आए हुए थे उसमें कितने लोग रहते थे, पॉपुलेशन थे। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जो रियासतों ने जो ग्रैब किया हुआ था एरिया, उनके लोग कितने थे उस टाइम? मुगल एम्पायर ने जो ग्रैब किया उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि मुगल एम्पायर तो धड़ाधड़ कब्जा करी थी ना, तो एवरीबॉडी वॉज गोइंग अंडर द सूर एम्पायर बीच में। ओके, मैं तो हिस्ट्री में बड़ी खराब हूँ, मैं तो हर सब्जेक्ट में खराब हूँ एक्सेप्ट फॉर साइंस। वो भी भूल रही होंगी। मुगल एम्पायर में तो जिसकी सबसे बड़ी है उन्होंने सबसे ज्यादा कब्जा किया था। किंगडम ऑफ मैसूर, आप ये देख रहे हैं किस किंगडम के अंदर कितने लोग आ गए थे, कितने पे कब्जा किया था, कितने लोगों पे कब्जा किया था, जिसने लैंड ज्यादा कब्जा किया होगा वहीं पे, वही ज्यादा लैंड ज्यादा लोग आ गए उसमें मुगल एम्पायर में। 1503 के आसपास से 15 पता नहीं कितने साल। एंड किस में होगा? ऑफ कोर्स ब्रिटिश में होगा। ब्रिटिश के बाद? नहीं, ब्रिटिश के बाद जब हम इंडिपेंडेंट हो गए। बस वहां होंगे, देखते हैं ये मुगल कब जाता है। चलता है, दे विल बी देयर फॉर 400 इयर्स। हे राम, 400 साल? 300 तो है, 300 साल। चलिए, वो तो सिर्फ 16 हुआ, 100 साल भी नहीं हुआ। मुगल का ही चल रहा है और सब जगह रिड्यूस होते जा रहे हैं, इंक्रीज हो ही रही है पॉपुलेशन मगर प्रोपोर्शन तो बहुत ज्यादा हो गए। मुगल एम्पायर तो देखो वो तो बढ़ रहा है। बीजापुर का प्रोपोर्शन खत्म हो रहा है, प्रोपोर्शन खत्म हो रहा है उनका, बढ़ते जा रहा है। फ्रेंच आए हैं, फ्रेंच पोर्तुगीज आ गए, पहले ये आए थे ना, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे। 1700 में ब्रिटिश शुरू हुआ। दो सौ साल से ब्रिटिश थे, पता नहीं कौन से चले ही गए, गायब ही हो गए। किंगडम और सिक्किम, कौन चला गया? सब जा रहे हैं अब किंगडम्स धीरे धीरे, अब ब्रिटिश आने वाला है। मराठा एम्पायर आ गया, सिख एम्पायर भी आ गया। सिख एम्पायर, मराठा एम्पायर जैसे ही बड़ा होगा ब्रिटिश आ जाएंगे। किस्मत खराब थी हमारी। और मराठा एम्पायर जो है इन नवाब ऑफ बंगाल, हैदराबाद, सिख एम्पायर ऊपर आ रहे हैं। अब ये देखो मराठा एम्पायर ने ऑलमोस्ट इनका इनको डिस्ट्रॉय किया, ब्रिटिश आ जाएंगे। किस्मत ही देखो क्या किस्मत। अब यहाँ फाइट हो रही थी जबरदस्त, अब ब्रिटिश आने शुरू हो जाएंगे। कहाँ आ गए क्या? नहीं, अभी मुगल खत्म, मराठा ऊपर आ गए, आ गए ब्रिटिश एकदम सही। कबाड़ा चालू हो गया। थोड़ा लेट आते ना तो भी बात बन जाती। इन्होंने तो बड़े धोखे और छल कपट कर करके किया था, तोड़ताड़ कर। देखो स्पीड, कोई ढंग से थोड़ी, कोई सच्चाई वाली लड़ाई थोड़ी की थी। सब खत्म, सारे एम्पायर्स खत्म हो गए। बाकी 1814-15 तक खत्म, ऑल आर गॉन। मराठा भी खत्म हो गया, एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग विल गो अवे। सब खत्म, सारे एम्पायर्स जा रहे हैं। पोर्चुगीज रहेंगे, पोर्चुगीज वगैरह, पोर्चुगीज रहेंगे। सिख एम्पायर भी चला जाएगा, मुगल तो जाएगा ही, सिख भी खत्म हो जाएगा। 1843-44 ये लोग चला गया, पहले सिख एम्पायर गया फिर मुगल गया। चलो बड़े थे लास्ट में, थोड़ा मोड़ जाएगा एरियाज उनके, पोर्चुगीज तो थे ही, चला गया। फ्रेंच खत्म हो जाएंगे, अब
स्पेनिश विल बी गॉन ओनली पोर्चुगीज रिमेन सारा इंडिया खा गए ब्रिटिशर्स सर नाम है ब्रिटिश राज उसके बाद जो है 1947 की वेट करेंगे देखो ब्रिटिश इन्वेजन अब 1947 के बाद खात्मा उनका होगा एक झटके में बस वही देखना एक झटके में जीरो मजा आ जाए सभी लोग उसकी वेट कर रहे हैं कितनी स्ट्रगल की है 1947 में उनका होगा जुक थैंक गॉड मैं उस टाइम पे नहीं थी पूरा खत्म शुक्र है मैं आजाद इंडिया में पैदा हुई चलो खत्म हो यार तुम्हारे को इंडिपेंडेंट इंडिया देखना एक झटके में भच पर उनका कुकर्म उनको दिख रहा है ना अब क्या हालत हो रही है उनकी आज के जमाने में देखो काउंट थोड़ा धीरे कर दिया गुड अब खत्म होने वाला है ना एक गया इंडिया आ गया पाकिस्तान भी आ गया पाकिस्तान भी आ गया अब पोर्चुगीज 1950 में हट गया बस पोर्चुगीज हटने वाला है किंगडम ऑफ सिक्किम अभी तक कैसे सिक्किम वापस आ गया वो सिक्किम इंडिया का बन गया देन बिकेम बांग्लादेश आ गया 1971 का सिक्किम गया सिक्किम बिकेम इंडियन बस यही है 24 तक बस हमारी पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिख रही है बस ऐसे ही रहेगा दैट्स इट तक पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी शॉर्ट स्वीट एंड वेरी नाइस जब वो ब्रिटिश राज आया ना ओहो इनको स्लो मोशन दिखाना चाहिए 1940 से स्लो मोशन में उनका धीरे धीरे नहीं वो ऐसे पे गिराया ना उसको धीरे धीरे नीचे गिराते हुए और फूल पत्तियां 1947 जैसे गया था दिखाते हैं ब्रिटिश को और नीचे जा रहा है और दिवाली मन रही है और इंडिया जक इंडिया और उसके बाद खुशियां बिल्कुल मगर ये अच्छा पॉइंट था उसके बाद जैसे ही आता है इंडिया पाकिस्तान दोनों आते हैं वो चक्कर है वो था और उसके बाद बांग्लादेश भी आ गया अच्छा था वेरी नाइस सिर्फ स्लो मोशन में करते हैं 1947 में शुरू में मुझे बड़ा दुख हो रहा था पर जैसे ही इंडिया आया ना फिर खुशी हुई है नहीं तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था वो दुख फिर खुशी में फिर बदल गया अच्छा हुआ एंडिंग अच्छी है 2024 तक वही चक्कर था देखिए मराठा एम्पायर से सब कुछ रिस्टोर हो रहा था कितना ब्रिटिश आ गए मतलब अभी वो बने ही है अभी वो आई पूरा ठीक करके वहां से यूं ये आया ब्रिटिश आया सब कुछ बिंदास कर रहे थे वो जब तक वो बिंदास करते कुछ सेटल होते जीत के अब सेटल होके अपने आप को वहां पे ताकतवर अपने मतलब जैसे रूट्स होते हैं वो अपने गार्ड लेते फिर ये आते ना तो सबके अलायंसेस होते सब बढ़िया होते धीरे धीरे सबको वापस रिस्टोर होता ये पंगा पड़ गया नहीं और ब्रिटिशर्स ने तो बहुत चलाकी से गलत कामों से चाप मतलब अंदर से उनको तोड़ना गंदे लोगों को अपनी साइड में लालच से करना वो सब गेमें खेल के किया था नहीं तो इन्होंने इतनी इजली जीतना नहीं था पूरा कंट्रोल नहीं होना था इसमें एक और था कि स्टार्टिंग में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जाके फिर यूके आता है ब्रिटिश चेंज कर देते ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के फिर यू पहले सोचिए एक कंपनी राज करती थी इंडिया पे कंपनी कंट्री भी नहीं कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद हटा के फिर उन्होंने बड़े चालू लोग थे बड़ी चालू थे सोचो बाहर देश से आके क्या चलाकियां की इन्होंने तो चलो यार अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।